नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधिविष्ट। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक बयान ने फिर से उनके मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के मामले को हवा दे दी है। पूर्व सीएम ने अपना ये दर्द ठीक चुनाव से पहले बयां किया है। मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने से त्रिवेंद्र सिंह रावत इतने दुखी थे कि अपने एक इंटरव्यू में वो खुद को रोक नहीं पाए और मीडिया के सामने अपना ये दर्द बयां कर दिया। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार के अच्छे कामों के लिए उन्हें हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है और उन्हें नहीं पता कि उन्हें उनके मुख्यमंत्री के पद से क्यों हटाया गया था। उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन असामयिक था, लेकिन ये पार्टी का निर्णय था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। साल 2017 के विधानसभा में भाजपा ने भारी बहुमत हासिल की थी और 57 सीट हासिल करने के बाद भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल पूरे होने से मात्र 9 दिन पहले 9 मार्च को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद प्रदेश में मानो हलचल मच गई। आनंद फानन में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनका कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी छोटा रहा। अब ऐसे में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत का दर्द बाहर आया है, जिसमें उन्होंने अपने पद से हटने की टीस जाहिर की है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। नमस्कार।